तब ऐसे नहीं कि आज तो 3 DPP में 10 क्वेश्चन दिए जाते, तब तेरी पढ़ाई ऐसे होगी कि साला एक दिन बैठा और 10 DPP के 100 सवाल 3 घंटे में करके निकला। समझ मारी बात? तब तेरी यही स्ट्रेटेजी होगी कि भाई साहब बैठा और 10 DPP 3 घंटे में खत्म, एक दिन में 10 DPP खत्म, अगले दिन अगली 10 DPP खत्म। पता चला तू जितनी डीपीपी दी गई है सारी तूने 10 दिन में रिवाइज कर दी। सर डीपीपी प्लस नोट्स प्लस HCB इनफ है एडवांस के लिए? श्रुति ये एक बहुत लंबी जर्नी है, समझो मेरी बात को। ये उस दिन का लेक्चर याद रखो जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ था, उस दिन मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अभी चल रहा है मेरे भाई जून, जून से दिसंबर तक जरूरी है तुम्हें एक बेस्ट कंटेंट की, ऐसा बेस्ट कंटेंट जिसके दम पे आप जेई मेंस, जेई एडवांस इनके क्वेश्चन फोड़ सकें। आपकी कॉपी में मैं क्या लिखाऊं, आपकी कॉपी में मैं कैसे क्वेश्चन कराऊं कि आप फिजिक्स सीखो, आप किसी भी एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट कर दो। पासन मारिए और दिसंबर के बाद मई तक का जो टाइम होगा ना वो होगा तेरी मेहनत का, जबरदस्त वाली मेहनत। क्यों? तब सिलेबस हो जाएगा पूरा और उस 5 महीने में तू पागलों की तरह पढ़ेगा, क्योंकि इधर से मैं तेरा फिजिक्स पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा दिया, सपोज करा चुका हूंगा, तुझे पूरी फिजिक्स अच्छे से आती होगी, अब तू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, अब तू PYQs लगाएगा भर भर के, ठीक है, खूब भर भर के PYQs लगाएगा, खूब भर भर के DPPs लगाएगा, उन्हीं आज के नोट्स को 2-2, 3-3 बार सॉल्व करेगा, JEE एडवांस के PYQ भर भर के लगाएगा, बोर्ड का तेरे ऊपर लोड होगा नहीं, डेली बैठ के टेस्ट पेपर देगा, तो सोच जब तू 5 महीने काम करेगा तो तेरा ग्राफ ऐसे था तो ऐसे राइज करेगा। समझ मारी बात? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक, अब तू ये सोचेगा कि अभी अभी जितना समय है कि सर मैं अभी डीपीपी भी कर लूं, क्लास नोट्स भी कर लूं, HCB भी कर लूं, PYQ भी कर लूं, JEE मेंस भी कर लूं, JEE एडवांस भी कर लूं, मॉड्यूल भी कर लूं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये बात मेरे को मालूम है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम, इनफैक्ट कोई बच्चा अगर मॉड्यूल को भी टारगेट बना के बैठा होगा ना तो गारंटी नहीं है कि वो मॉड्यूल भी कर पाता होगा। ठीक है, क्यों? मॉड्यूल में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक, कोई बच्चे टारगेट लेके बैठे मुझे तो HCB ही लगानी है ओनली, तो जाहिर सी बात है जरूरी नहीं है वो HCB पूरी लगा पाए, क्योंकि तेरे पास और भी सब्जेक्ट है, तेरे पास केमिस्ट्री भी है, तेरे पास मैथमेटिक्स भी है। समझ मारी बात? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्लास के जो 1.5-2 घंटे होते हैं उसमें बढ़िया से समझ में आए, बढ़िया से चीजें तेरे दिमाग में फिट हो जाए और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन दिए जाए उनको तुम लगा लो ज्यादा से ज्यादा। तो अभी के लिए तो तुम इतना ही कर सकते हो कि आप क्लास नोट्स अच्छे से कर लो, ठीक है भाई साहब, डीपीपी अच्छे से कर लो जो भी दी जा रही है, और जो भी मैं यहाँ पे होमवर्क दूं HCB वगैरह के वो आप होमवर्क कर लो, अगर मॉड्यूल के होमवर्क दे रहा हूं तो वो कर लो, अभी के लिए इतना ही कर लो। तुमने इतना कर लिया तो इसका मतलब तेरा यहां से लेके यहां तक का पार्ट बेस्ट निकल के आएगा। ठीक, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक के पार्ट में भी तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि यहां जाके पढ़ना ही छोड़ दिया, दिसंबर में तू पढ़ना ही छोड़ दे तो जाहिर सी बात है जब तू मई में पेपर देगा तो सिलेक्शन होगा तेरा नहीं होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है कि तूने यहां से यहां तक अपना बेस्ट दिया और यहां से यहां तक अपना बेस्ट दिया तो तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बात सच है, ये बात सच, तभी तो मैंने बोला था रास्ता बहुत लंबा है। ठीक है, जरूरत है यहां पर कंटिन्यूसली रेगुलरिटी के साथ पढ़ने की। मैंने वो एग्जांपल लिया ना उस लड़की का, छोरी का, यार 2.25 लाख रैंक किसी की हो, तुम में से ना जाने कितनों की रैंक होगी 2.25 लाख। ठीक है, JEE मेंस का रिजल्ट है 2.25 लाख रैंक आई, उसके बाद सीधा भैया JEE एडवांस के बीच में 1.5 महीने का टाइम था, पागलों की तरह उसने पढ़ाई करी और सिलेक्शन निकाल दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बस उसी 1.5 महीने में ही पढ़ाई कर ली सारी, नहीं यार, ये तू भी समझता है। ठीक, उसने पूरे साल मेहनत की होगी, पूरे साल मेहनत की होगी और उसकी मेहनत एक एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई जिसका नाम था JEE मेंस। हो सकता है उसने सिली मिस्टेक्स बहुत कर दी, हो सकता है छोटे छोटे सवाल उससे ना बने हो सकता है उसके अंदर बड़े बड़े सवाल करने की, ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो कहते हैं सर हम हाई फाई लेवल के सवाल तो कर देते हैं, छोटे छोटे गलत हो जाते हैं हमसे, वो JEE मेंस में निपट जाते हैं, JEE एडवांस में वो फोड़ देते हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट में जून से लेकर एडवांस तक हम सब कुछ कवर करेंगे, JEE मेंस, JEE एडवांस सब कवर करेंगे। ठीक है, ये चीज है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं भैया इसके बाद नेक्स्ट। लेकिन हाँ, अभी तुम्हारा सवाल ये है सर डीपीपी नोट्स HCB इनफ होगा? यस, इट इज इनफ टिल दिसंबर, टिल दिसंबर। दिसंबर के बाद फिर सर इन्हीं सवालों को फिर से लगाओ, क्लास नोट्स को 2-2, 3-3 बार लगाओ, डीपीपी को फिर से एक बार सॉल्व करो भर के बैठ के एकदम। तब ऐसे नहीं कि आज तो 3 DPP में 10 क्वेश्चन दिए जाते, तब तेरी पढ़ाई ऐसे होगी कि साला एक दिन बैठा
और 10 DPP के 100 सवाल 3 घंटे में करके निकला। सनमारी बात, तब तेरी यही स्ट्रेटेजी होगी कि भाई साहब बैठा और 10 DPP 3 घंटे में खत्म, एक दिन में 10 DPP खत्म, अगले दिन अगली 10 DPP खत्म, पता चला तीन जितनी डीपीपी दी गई है सारी तूने 10 दिन में रिवाइज कर दी, ठीक है। फिर 11वें दिन फिर से वही डीपीपी द्वारा लगा दी, ठीक है, इस बार 20-20 DPP एक साथ लगाई। अब तू कह सर ये कैसे पॉसिबल है, भाई पॉसिबल है यार, फिजिक्स में नहीं क्या 30 सवाल नहीं करते हो आप जेई मेंस में एक घंटे में, तो एक घंटे में 30 सवाल तो 3 घंटे में 90 सवाल बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना, और काफी सवाल तो तेरे देखे हुए होंगे, तड़क 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 सॉल्व करेगा तू, ठीक, तब ऐसे निखर के आएगी रैंक, समझ जा मेरी बात को, ठीक।